नॉर्थ सिक्किम। अरे वो वाला ब्रिज तो आधा लटक गया है, आगे वाला डेंजरस रोड। हाँ यही वाला ब्रिज था यहाँ से वहाँ तक। स्मोकिंग जोन, मतलब जितना भी पैसा दिए ना सब वसूल हो गया यहाँ पे आके ये सब सीन देख के। नेचर का तबाही। अब इस छोटे से पुलिया से हम लोग क्रॉस करेंगे। वाह इतना तेज धारा करंट। ये है तिस्ता रिवर के फ्लो, एकदम बेस में हम लोग पहुंच गए। वाह ये है लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, पूरा लैंडस्लाइड और आराम। नीचे तिस्ता रिवर और सब सिक्किम फ्लड। यही चुमथांग डैम है जो कि सिक्किम फ्लड में डैमेज हुआ था, पूरा बीच से कट गया है। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, मस्त ऊपर से पानी आ रहा है एकदम। नागा फॉल्स। पैकेज का खाना, दाल चावल सब्जी और। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। दार्जिलिंग और सिक्किम सीरीज में आपका स्वागत है। अभी हम लोग सिक्किम आए हुए हैं, सिक्किम के गैंगटोक में। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है और यहाँ पे अभी आए हुए हैं। यहाँ पे आए हुए हम लोग को परसों आए थे और परसों शाम में एमजी मार्ग देखे, कल पूरा दिन भर लोकल साइट सीइंग किए गैंगटोक का, जो कि लास्ट एपिसोड में आप लोग ने देखा होगा। आज के वीडियो में हम लोग नॉर्थ सिक्किम की ओर जा रहे हैं। ये हमारा पैकेज 2 डेज और 1 नाइट्स का है, यानी कि आज जाएंगे यहाँ से 10:30 बजे के जाएंगे और शाम में लाचुंग पहुँचेंगे और कल मॉर्निंग में वहाँ से युमथांग वैली जाएंगे और युमथांग के बाद अगर पॉसिबल हो तो 0 पॉइंट और कटाउ भी जाएंगे। ऐसे युमथांग तक जाने का प्लान है, युमथांग वैली तक। उसके बाद कल शाम को वापस यहाँ पे आ जाएंगे। यानी कि ये वाला जो पैकेज हम लोग का है 2 डेज एंड 1 नाइट्स का है। हम लोगों ने इनोवा बुक कराया है, 4 लोग हैं, 2 लोग हम लोग और 2 लोग और जहाँ से हम लोग ने बुक कराया है 2 लोग वहाँ के हैं, ठीक है। तो टोटल 4 लोगों ने हम लोग इनोवा बुक करके चल रहे हैं। 3200 पर हेड लगा है, ठीक है। अब देखिए आगे का क्या होता है, तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है, होटल से निकलते हैं, अब चेकआउट किया जाए, उसके बाद नॉर्थ सिक्किम की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। होटल से निकल के हम लोग प्राइवेट से कैब ले लिए हैं। यहाँ से बाजरा टैक्सी स्टैंड जाना पड़ेगा और एमजी मार्ग के पास से जो हम लोग का होटल था वहाँ से बाजरा टैक्सी स्टैंड जाने का किराया 200 है, रिजर्व करना पड़ रहा है। शेर वाला भी जाता है लेकिन शेर टैक्सी थोड़ा दूसरे साइड था, तो वहाँ तक पहुँचने में ही 10-15 मिनट पैदल लग जाता, तो हम लोग प्राइवेट टैक्सी ही कर लिए हैं। वहाँ से होटल से प्राइवेट टैक्सी करके हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर बाजरा टैक्सी स्टैंड, ये वाला है वाजरा टैक्सी स्टैंड। 10 बजे बुलाया था, 10 बज गया है, अब बोल रहा है 10:30 में आएंगे, 11 में आएंगे, तो उतने देर में हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये है वाजरा स्टैंड अंदर और यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करने आए हैं। अब हम लोग लगभग 1.5 घंटे के बाद 11:30 बजे से निकल गए हैं। लगभग 1.5 घंटे बाजरा टैक्सी स्टैंड के पास वेट किए थे और यहाँ से निकल गए। अपना इनोवा है, इसी से हम लोग जाएंगे इवनिंग तक पहुँच जाएंगे लाचुंग, फिर वहाँ से कल मॉर्निंग में युमथांग जाना पड़ेगा। रास्ते में जो जो सीनिक व्यू आएगा उसको दिखाते चलेंगे, वहाँ पे एंजॉय करते चलेंगे, फोटो सेशन होते चलेगा, वहाँ पे वीडियो बनता रहेगा। भारत पेट्रोलियम का पंप है, डीजल भरा रहा है। Thank you.
गैंगटोक से हम लोग 11:30 बजे के आसपास निकले थे, अभी 1 बजे रहा है और यहाँ का पहला स्टॉपेज सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल के पास आ गया है। रास्ते का व्यू काफ़ी सीनिक था, इंजॉय करते आए हैं और दिखाते हैं आपको सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। और यह है सेवन सिस्टर वाटरफॉल, पहला व्यू पॉइंट नॉर्थ सिक्किम जाने के बीच में पहला व्यू पॉइंट है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। और यहाँ से मस्त व्यू आ रहा है, लगता है नया कुछ नया प्रोजेक्ट है बनने वाला है वहाँ से लेके वहाँ तक। एक पुराना पुल है, उधर वाला न्यू पुल है और कुछ इस तरह से यहाँ पे भगवान बुद्ध की एक मूर्ति है और ये सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। यहाँ पे कुछ फोटो सेशन किया जाए। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल मस्त ऊपर से पानी आ रहा है एकदम वहाँ ऊपर से। फोकस फोकस, और यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है। सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स हम लोग पहुँचे हैं अभी। यहाँ से मंगन 33 किलोमीटर दूर और है, गैंगटोक से मंगन 65 किलोमीटर था। और यहाँ से जो हम लोग का पहले रात में स्टे होगा लाचुंग, वो गैंगटोक से 118 किलोमीटर है। शाम को 6 बजे के आसपास हम लोग पहुँचेंगे। अब काफ़ी देर रुकने के बाद सेवन सिस्टर वाटरफॉल पे हम लोग आगे की ओर चलते हैं। नॉर्थ सिक्किम बहुत ही सीनिक और मज़ेदार है। वेदर थोड़ा ठंडा ठंडा है लेकिन अभी जैकेट नहीं पहने हैं, अभी कुछ देर के बाद जैकेट पहनेंगे जब और ठंडी लगेगी। सेवन सिस्टर वाटरफॉल से निकलने के बाद हम लोग लंबा जाम में फंस चुके हैं, इसलिए यहाँ पे फोटो सेशन कर रहे हैं लोग। देखिए यहाँ का सीनिक व्यू मस्त है। सेवन सिस्टर वाटरफॉल से जस्ट आगे हम लोग बढ़े थे और लंबा सा जाम। रोड तो यहाँ का पतला ही रहता है तो ऑब्वियस है जाम लगना है। और इधर देखिए कोई गांव है सामने में, सीन मस्त है यहाँ पे। निकलने के बाद वहाँ पर 1.5 घंटा का जाम लगा हुआ था क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो 1 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे, 2:30 बजे वहाँ से निकले, 1.5 घंटा वहाँ पर बैठे रहे। उसके बाद हम पिंचिम जीरो पे रुके हैं, यहाँ पे लंच ब्रेक मिल रहा है, ठीक है। खाने में कुछ इस तरह का है पैकेज का खाना, दाल चावल सब्जी और अनियन।
तो यहाँ पे अब खाते हैं। मंगन अभी भी लगता है 10-15 किलोमीटर दूर है, तो खा के यहाँ से आगे निकलते हैं। यहीं पे आके हम लोग खाना खा रहे हैं लंच इस होटल में, और लंच कर लिए हैं। लंच ठीक था, आलू सोयाबीन का सब्जी बढ़िया था, और एक फूल गोभी था, और दाल और चावल अंडा करी अलग से हम लोग बनवाए थे, पैकेज में ही था। तो यहाँ से अब खाना खा लिए है, आगे चलते हैं। रांग रांग 0 पॉइंट, और तिंगचुम जो था वो पहले ही था। यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है, वैली टाइप से है, मस्त सीन है यहाँ पे। सिक्किम में कहीं भी जाइए एक सीनरी ही सीनरी है, इसलिए गैंगटोक में जो भी जाते हैं 10 पॉइंट 11 पॉइंट कुछ भी दिखा दो, सब 11 पॉइंट 10 पॉइंट में हो जाता है। ठीक है, खाना खा लिया, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मंगन अभी कुछ देर और है, देखते हैं कितना देर में पहुँचते हैं। वाटर क्रॉसिंग, इधर वाटरफॉल है, और मस्त सीन है यहाँ से। गांव है कोई, सब रोड डैमेज हुआ था फ्लड में। नागा फॉल्स सीनरी है यहाँ पे, तो ऊपर पूरा क्लाउड तैर रहा है, और इधर नागा फॉल्स। ये नागा फॉल्स काफी ऊपर से आता है। ओहो, खतरनाक रास्ता पूरा नीचे जा रहा है। तीस्ता रिवर नीचे, तीस्ता रिवर और सब। सिक्किम फ्लड, सिक्किम में फ्लड आने के बाद जो क्या तबाही हुआ था, उसके बाद सब इंफ्रास्ट्रक्चर ही मकाने गिरा हुआ है। नया रोड बना रहा है, नीचे तीस्ता रिवर, ऊपर क्लाउड तैर रहा है एकदम, पूरा डैमेज था इसे, पूरा फ्लड में डैमेज हुआ है। सब फ्लड की वजह से हुआ।
सबको सीनरी चाहिए 5 मिनट तक के लिए। वाह क्या सीन है यहाँ पे, मतलब तो और क्या करें, चलाने का काम आपका है, हमें वीडियो कैप्चर करने का। आ गया तो आ गया, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो होना रहेगा होगा। ऐसा व्यू फिर देखने को नहीं ना मिलेगा, आपका तो डेली का काम है इधर आने का। वाह इधर तीस्ता रिवर नेसेंट स्टेज में, लोग काफी तेज है तीस्ता रिवर का यहाँ पे। बुरी तरह से लैंडस्लाइड आया था पूरा। वाह लैंडस्लाइड और इराम। कब ऊपर से पत्थर आके गिरे कोई ठिकाना नहीं है। नहीं बता रहे कब क्या हो जाए। डेंजरस रोड है, चेक पोस्ट ब्रिज सब खत्म, उस साइड तो पूरा खत्म, टाटा बाय बाय। ओहो और ये वाला पहले ब्रिज था और सब खत्म। और राम डेंजरस रोड, हाँ यही वाला ब्रिज था यहाँ से वहाँ तक। अरे वो वाला ब्रिज तो आधा लटक गया है आगे वाला। नया ब्रिज बन रहा है, कैसे गाड़ी निकलेगा यहाँ पे। पत्थर हो गया सब, यहाँ पहले फोटो शूट होता होगा इस ब्रिज पे। पूरा तबाही हुआ है टुंग ब्रिज। कीचड़ से हम लोग जा रहे हैं, बारिश हो गया तो सारा मिट्टी कीचड़ बन गया। तो भाई ओहो तो इम्पॉसिबल रोड है। ब्रिज यहाँ पे था टूट गया तो किसी तरह से जाएगा। अरे राम ये है तीस्ता रिवर के फ्लो, एकदम बेस में हम लोग पहुंच गए। वाह ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस भाई। अब जितना भी पैसा दिए ना सब वसूल हो गया यहाँ पे आके ये सब सीन देख के। नेचर का तबाही, रास्ता नहीं ना है।
से पत्थर पत्थर के बीच से जा रहे हैं, पहाड़ों के बीच से। छत पे बैठा देंगे। ड्राइवर साहब को बैठाना पड़ेगा। कितना तेज फ्लो है। अब इस छोटे से पुलिया से हम लोग क्रॉस करेंगे। वाह, इतना तेज धारा करंट, इतना सा पुलिया, इतना बड़ा ब्रिज टूटा तो इस पुलिया से हम लोग क्रॉस किया। ये ऑफ रोड है भाई, नेक्स्ट लेवल का ऑफ रोड है। आराम से ही चला रहे हैं। हॉर्न बजाने का ऑप्शन नहीं है। गैंगटॉक में सिर्फ फाइन लगता है नहीं हॉर्न बजाने का। दो हजार का चलाने नहीं। अब इस पर हम लोग ऊपर चढ़ेंगे। इस सीजन जब स्टार्ट होगा अप्रैल में तो और खतरनाक स्थिति होगा। सब गाड़ियाँ कैसे आएगी जाएगी, और ज़्यादा भीड़ रहेगा ना। वह तिस्ता का फ्लो जबरदस्त, मतलब वहाँ से वहाँ तक पूरा पहाड़ नीचे गिर गया, इस साइड भी और उस साइड भी। इधर भी पूरा लाचेंद में तबाही मच गया। यहाँ से कितना ऊंचा लग रहा है पहाड़, वाव। यहाँ से ऊपर रास्ते पे जाएंगे, गजब। अभी तो लगता है कि एक दो बार और नॉर्थ सिक्किम आना पड़ेगा ऐसा रास्ता देख के। अब तो लगता है यहीं पे बैठे हैं एक आधा घंटा। आगे का भी देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे रुकेंगे। तो यहाँ से नीचे, तो नीचे से डायरेक्ट ऊपर आया। फाइनली अब रोड आ गया। अब जाके मजा आया। उत्तर देश से चारों तरफ पेड़ पेड़ था, कुछ सीनरी दिख नहीं रहा था। अरे वाह, अरे वाह, ये वाला भी मस्त। कुछ देर पहले से इधर ही था तो और अच्छा लग रहा था। थेंग टनल, प्राइड ऑफ नॉर्थ सिक्किम, वेलकम टू थेंग टनल।
टनल आधा किलोमीटर नीचे नागा फॉल्स के बाद जो तबाही था सिक्किम में, जो फ्लड्स आया था उसका जो तबाही था, वहाँ पे जो ब्रिज वगैरह बना था वहाँ पे एक चेक पोस्ट भी था, अब वो बोला चेक पोस्ट ऊपर शिफ्ट हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे उतर के ड्राइवर साहब एंट्री करवाने गए हैं चेक पोस्ट पे। पूरा लाइन अब जो नीचे चेक पोस्ट था ऊपर शिफ्ट हो गया है। हल्की हल्की बारिश हो रही है और यहाँ पे गाड़ी वगैरह बहुत आ रहा है। स्मोकिंग जोन की लैंडस्लाइड के कारण रोड डैमेज हो गया है पूरा, सब जगह डैमेज डैमेज। सब रोड को बनने में फिर से एक साल से कम नहीं लगेगा जितना डैमेज हुआ है। कोर वाटरफॉल बीआरओ का डॉ और ऊपर से नीचे आ रहा है पूरा वाटरफॉल है। अरे यहाँ पे कोई ब्रिज वगैरह था क्या, टूटा है? और वाह वाटरफॉल छोटा सा ऊपर से नीचे आ रहा है। ओह चुमथांग लाचेन और लाचुन का मीटिंग पॉइंट। यहाँ पे जो डैम था वो भी डैमेज हो गया है, आगे से चल के देखते हैं। ये चुमथांग ये तिस्ता है, यहीं से मतलब दो रिवर आके मिलता है, यहीं से तिस्ता बनता है चुमथांग। पता नहीं यही बोल रहा था दूसरा दो रिवर, ये वाला चुमथांग डैम जो था पूरा डैमेज हो गया है। पूरा तबाही आया भाई सिक्किम में, लाचेन चुमथांग का डैम डैमेज्ड भाई सिक्किम फ्लड्स। ये है तिस्ता रिवर का व्यू चुमथांग से, इन जालियों के बीच से लेंस करके हम लोग वीडियो कैप्चर किए हैं। जा आउट ऑफ फोकस हो गया फिर से, हाँ फिर से फोकस में आ गया। तिस्ता रिवर चुमथांग, यही चुमथांग डैम है जो कि सिक्किम फ्लड में डैमेज हुआ था, पूरा बीच से कट गया है। पूरा खतरनाक सीन दिख रहा है, उस समय आया होगा, पूरा कटा हुआ है और बीच से तिस्ता रिवर बह रही है। शाम के 5:30 बज गए हैं, हम लोग चुमथांग पहुंच गए हैं और टी ब्रेक हो गया, स्ट्रेच ब्रेक हो गया, अब वापस आगे चलते हैं चुमथांग का टी पॉइंट। और ऊपर देखिए बादल बादल, पूरा अंधेरा हो गया है, बादल तैर रहा है। रियल में और ज़्यादा काला दिख रहा है, इसमें उतना भी काला दिख नहीं रहा है कैमरा में। अब आगे चला जाए लाचेन की तरफ, लाचुंग की तरफ। लाचेन वाला रास्ता डैमेज हो गया है, अब उधर का कोई रोड नहीं जाती है, कट ऑफ हो गया है लाचेन के लोग। बहुत भयानक तबाही आई थी, काफ़ी प्रॉपर्टी तो लॉस हुआ ही है, जान का भी लॉस हुआ है। पता नहीं एक डेढ़ साल में पूरा रिकवर हो पाएगा कि नहीं रिकवर हो पाएगा, पूरा रोड बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए ठीक है, हम लोग लाचुंग की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चुमथांग से आगे बढ़ रहे हैं लाचुंग की तरह। नीचे तिस्ता रिवर, चुमथांग, आगे के साइड लाचेन जाती है और इधर लाचुंग। लाचेन वाला तो रास्ता ही बंद है, तो लाचुंग जा रहे हैं हम लोग। फाइनली रात के 7 बजे हम लोग पहुंच गए लाचुंग डोगरा इन। ये है, पूरा अंधेरा हो गया, बीच में डेढ़ घंटा वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन था रोड, वहाँ पे लेट हुआ, वरना 5:30 तक पहुँच जाते, 7 बज गया। अब अंदर जाते हैं होटल के, किसी होटल में है डोगरा इन। पूरा अंधेरा है चारों तरफ, ज़्यादा ठंड है नहीं, अभी बिना कैप के हैं, ज़्यादा ठंड है नहीं अभी, शायद 5-6 डिग्री टेम्परेचर है, रात में और बढ़ेगा। अभी हम लोग होटल पहुँच गए हैं डोगरा इन और डायरेक्ट किचन में एंट्री कर गए हैं। और आपका नाम फ्रेजर, फ्रेजर यहाँ के कुक,
असिस्टेंट सेफ अभी दाल बन रहा है, 7 बज गया है, 9:30 तक हम लोग को डिनर मिलेगा। अब रूम चलते हैं हम लोग वापस ऊपर। होटल डोगरा इन पहुंच गए हैं और रूम कुछ इस तरह का है। यहाँ पे टीवी है, यहाँ पे बेड है, हम लोग को एक कंबल और एक रजाई मिल गया है और एक बाथरूम है, गीजर वगैरह सब लगा हुआ है, डिसेंट बाथरूम है। और ये हमारे संजय जी यहाँ के कुक हैं और उधर फ्रेजल जिनसे जो नीचे मिले थे मैनेजर और असिस्टेंट से। तो कुछ देर में, कितने देर में खाना बन जाएगा? 7 बजा है, 8:30 बजे तक बन जाएगा। नहीं, 8:30 बजे तो काफी ठंड है यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे मिलते हैं। आलू भजा, आलू भजा और एक आलू भजा, दाल, राइस और अन्य। बहुत अच्छा है। लेकिन 4 में से 1 हम लोग 3 नॉन वेज है, 1 वेज है, तो अंडा कड़ी नहीं खाएंगे, ठीक है। अब खाना बनाइए, तब तक हम लोग थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। और रात का समय हो चुका है, खाना वगैरह बन गया है और ठंड काफ़ी बढ़ गया है, पूरा तेज हवा चल रहा है। हवा काफ़ी तेज है और ठंड काफ़ी बढ़ गया है। लाइट भी नहीं है, मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है अभी तक। देखिए इधर जेन सेट का आवाज़ आ रहा है, ठीक है। अब खाने चलते हैं और इस तरह से कुछ डिनर का सेटअप है, इधर बैठने का, इधर खाने का। और डिनर में है एक करी चावल और पापड़, और इधर किचन है और हम लोग डिनर कर रहे हैं। रोटी नहीं है, हाँ सिर्फ राइस खाए। खाना खाने के बाद हम लोग गपशप कर रहे हैं और कल का प्लानिंग चल रहा है कि कल कहाँ कहाँ जाना है। युमथांग तक का तो प्लान था हम लोग का, अब हम लोग चारों मिलकर कटाव भी सोच रहे हैं घूमा जाए। 0 पॉइंट तो अभी बंद है तो कटाव जाने का तब सोच रहे हैं कि कटाव भी चला जाएगा। पहले तो यहाँ सुबह उठ के अप्रॉक्सीमेटली 7 बजे के आसपास यहाँ पे ब्रेकफास्ट मिलेगा, उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग युमथांग वैली जाएंगे और युमथांग वैली के बाद कटाव जाएंगे। जो हमारा पैकेज था युमथांग वैली तक था, और कटाव जाने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा, जितना भी लगेगा कल पता चलेगा। तो डिनर करने के बाद अब हम लोग ऐसे ही खड़ा होके बातचीत कर रहे हैं और रात के 9:45 हो गया है और आज का टेम्परेचर 0 डिग्री हो गया है। अभी 0 डिग्री है और रात में माइनस चला जाता होगा। हाँ अभी 0 है, -2 -3 तक जाएगा। ठंड अभी मतलब गेट उठ लगा हुआ है तो उतना भी ठंड लग नहीं रहा है, रात में लगेगा क्योंकि हवा बहुत तेज चल रहा है, हवा बहुत तेज चल रहा है और जो भी खिड़की है उसमें शीशा लगा हुआ है तो और ठंडा लगेगा। और यहाँ पे लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, लाइट का तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है तो अभी तक लाइट आई नहीं है। यहाँ का पावर स्टेशन छोटा है तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे लाइट देता है। रात में हम लोग मोबाइल चार्ज में लगा के छोड़ देंगे। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। ये वाला वीडियो 2 पार्ट में आएगा, थोड़ा लंबा हो गया है। तो गैंगटोक से युमथांग वैली लाचुंग तक का जो वीडियो रहेगा 2 पार्ट में आएगा, इसको 2 पार्ट में बनाएंगे और ये वाला वीडियो भी ख़त्म करते हैं। चलिए गुड नाइट, और फिर कल मिलते हैं युमथांग वैली के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भैया के लिए एक लाइक, काफ़ी अच्छा खाना बनाए थे। चलिए बाय बाय।